हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहित सिंह। दोस्तों, एक और जहां कोरोना वायरस की वजह से संसार भर में तबाही मची हुई है, इसी बीच भारत सरकार डेली कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, जिससे कि भारतीय नागरिकों की जान को इस महामारी से बचाया जा सके। और इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक बेहतरीन काम किया है। जी हाँ, भारत सरकार ने कोरोना कवच की रचना की है। आज हम इसी कोरोना कवच की जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, एक तरफ जहाँ देश भर में लॉकडाउन हो रखा है, अधिकांश लोग अपने घरों में कैद हैं, सिर्फ इसी वजह से कि ये घातक बीमारी उनके घर तक ना पहुंच पाए। और इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक और मील का पत्थर स्थापित किया है, वो है कोरोना कवच। कोरोना कवच क्या है आखिर? दोस्तों, कोरोना कवच एक मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है। ये भारत सरकार ने इसका निर्माण इसलिए किया है कि कोरोना के जो प्रसार लगातार तेज तीव्र गति से हो रहा है, उसको रोका जा सके, लोगों से बचाया जा सके। इस एक सिंपल से मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और एक साधारण ऐप आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इस ऐप से आपको भारत सरकार की तरफ से डेली कोरोना वायरस के अपडेट्स मिलेंगे कि कितने केस नए संक्रमित हुए, टोटल केस कितने हो चुके हैं, आपके स्टेट में कितने हैं। और इसके अलावा कोरोना वायरस की बीमारी क्या है, पहचान क्या है, इससे बचाव के क्या तरीके हैं, क्या इसकी जांच होनी चाहिए, कहाँ इसकी जांच होती है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ जो कि इससे जुड़ा हुआ है ज्ञान है, वो आपको A to Z इस ऐप में उपलब्ध होगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस ऐप के जरिए आप इतना भी जान सकते हैं कि आपके आसपास कोई कोरोना पेशेंट तो नहीं है, कोई कोरोना का संदिग्ध भी नहीं है। जी हाँ, आप कोरोना संदिग्ध पेशेंट के बारे में भी यहाँ से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। आप जिससे मिलकर आए हैं, क्या वो कोरोना पीड़ित तो नहीं है, या पिछले कुछ दिन पूर्व आप किसी से मिले हैं, क्या उसको कोरोना हो तो नहीं गया। और अगर आप में भी कोई ऐसे लक्षण लगते हैं और आप उस ऐप में अपने सिम्टम्स एंटर करते हैं, तो आपको भी पूर्ण जानकारी उस चीज़ की मिलती है कि क्या आपका कोरोना संभावित हो चुके हैं या आपको किसी टेस्ट करवाने की आवश्यकता है या डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। ये सारी जानकारी आप एक सिंपल कोरोना कवच नाम की जो ऐप है उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हो। और इसको चलाना भी बेहद सरल है। कोई भी सामान्य कम पढ़ा लिखा हुआ जो व्यक्ति है वो भी इसको आसानी से चला सकता है। तो दोस्तों, मेरी ये राय है कि हर भारतवासी के मोबाइल फ़ोन में ये ऐप अवश्य डाउनलोड होनी चाहिए और उसे इसे चलाने की जानकारी जरूर प्राप्त करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे हमने बताया, इस ऐप को आप एंड्रॉयड जो आपकी प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल करके आप इसको आसानी से चला सकते हैं। और जैसे हमने इसमें ऑप्शन बताए हैं, आप उन ऑप्शंस में जाकर जो है अलग अलग तरह का जो ज्ञान है, आपको जो चाहिए रिक्वायर्ड नॉलेज, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अन्य लोगों तक भी इसको शेयर करें, ताकि हम
जो एक सुरक्षा कवच सरकार जो बनाना चाह रही है वो सभी भारतवासियों का, 130 करोड़ भारतवासियों को हम जो है इससे बचा के रखें और जो है वो इस बीमारी के संपर्क में ना आ पाए, इसके लिए हम प्रयास करें। क्योंकि अकेले सरकार के प्रयास करने से जो है ये जंग नहीं जीती जा सकती, कि हर भारतीय की जंग है और हम सबको मिल के लड़नी होगी। थोड़ी सी सजगता और जो है थोड़ी सी जो नियमों का पालन करके हम इस महामारी को अवश्य ही पराजित कर देंगे।